Children, now come on part 3, interrogative sentences. It is also the kinds of sentences. I am teaching no kinds of sentences. Yesterday I have finished till imperative. So today I am going to start interrogative sentences. Sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence. It ends with a mark of interrogation. Examples: Are you Mrs. Sharma? What are you looking for? ये आपको समझ में आ गया होगा. जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. इसमें लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा होता है, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं. इससे आप लोग इजीली पहचान लेंगे कि ये कौन से काइंड का सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस येस नो क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस. येस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? येस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है. हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 24 एक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, लाइक दिस, सो ऑन. तो हम क्या करेंगे, ये एक्सिलरी वर्ब क्या करेंगे, पहले रख देंगे. जैसे आर यू मिसेस शर्मा, इसमें येस और नो में आंसर दिया जा सकता है. तो इसलिए येस या नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है. यानी जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अभी आपने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी जो मेन होता है सेंटेंस का या जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है, उससे पहले अगर हम एक्सिलरी वर्ब रखते हैं तो उसका आंसर हमें येस या नो में मिल जाएगा. Now children, here it is given WH questions. In root there are 9 basic question words. अगर हम देखें तो जो 9 basic question words होते हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करके question पूछते हैं तो भी वो interrogative sentences ही कहलाते हैं. 9 कौन कौन से basic question words होते हैं children? Like who, whom, whose, what, which, so on. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बॉट स्वीट्स. ये है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है. चिल्ड्रन, आई हैव एक्सप्लेन इट इज ऑल्सो डैट इफ यू सी एट द एंड फुल स्टॉप एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सो इट मीन्स इट इज स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ बी हैव दे बॉट स्वीट्स. अब हम इसे असर्टिव जो हमारा सेंटेंस है यानी स्टेटमेंट, उसको क्वेश्चन बना के पूछेंगे ऊपर वाले एक एग्जाम्पल को, तो बी वाले एग्जाम्पल जो है उसी की तरह क्वेश्चन बनेगा. जैसे हैव दे बॉट स्वीट्स, अब यहाँ क्वेश्चन बन गया. आप देख रहे हैं इसमें लास्ट में क्या है, इंट्रोगेशन मार्क, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आप देख लीजिए अच्छे से, इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ लीजिए चिल्ड्रन. चिल्ड्रन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, होम, हुज आर ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चंस. दीज आर यूज ओनली फॉर पर्सन्स. ये जितने वर्ड हैं जैसे हु, होम, हुज, ये पर्सन्स के लिए पूछे जाते हैं. जैसे हु हैज़ रिटन दिस लेटर, अनिल, तो अनिल पर्सन है, अनिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हु. हुज बैग इज दिस, सोनालीज बैग, सोनल्स बैग, सो इट इज रिलेटेड टू सोनल, सो दैट इज वाई हेयर यूज हुज. लाइक दिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु इज यूज एज अ सब्जेक्ट, हुम रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट. हु सब्जेक्ट है और हुम किसको रिफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को. जैसे हु कॉल्ड यू, हु यहाँ पे सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट हो गया. बी एक्सरसाइज, हुम आर यू कॉलिंग, अब यहाँ हुम ऑब्जेक्ट हो गया और यू सब्जेक्ट हो गया.
Nowadays in informal conversation who is commonly used instead of whom. अब whom का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है. Modern English में हम whom की जगह who का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. Whom does she want to meet? Who does she want to meet? Both are correct. In written English we generally use the form given in sentence as it is formal. In spoken English we generally use the form given in sentence as it is informal. So what now what and which are also interrogative pronouns. They can be used for both person and things. हम देख रहे हैं what और which दोनों interrogative pronouns हैं और person और thing के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. Example आप देखिएगा children. इसी तरह next है which. Which is used when we ask about things. जब हम किसी चीज़ के बारे में question पूछेंगे तो which का इस्तेमाल करेंगे. Which is also used to ask question about persons when we have to select a person from a group. हम which का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हम किसी person को group से select करके उसके बारे में बात करते हैं. Interrogative adjectives are also used to ask questions. Interrogative adjective जैसे what, snacks, which girl and whose book. Interrogative adverbs are also used to ask question like where, when, how, why. How often, how long and how soon. According to this children, you have to do exercise E on book. Now turn the page. Come on, part 4. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences में एक सबसे पहली जो पहचान है वो है आप देखेंगे कि इसके बाद सेंटेंस ख़त्म होने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा. वो एक लाइन होती है और नीचे एक फुल स्टॉप जैसी बिंदी होती है उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेल्प अस कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज एडमायरेशन एप्रिसिएशन वंडर एंड शॉक. एप्रिसिएशन वंडर एंड शॉक जब कोई हैरानी वाली बात हो अचंभे वाली बात हो या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या कोई सरप्राइज हो तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखिए एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन विथ व्हाट और हाउ. व्हाट और हाउ से बना होता है ये यानी इसकी जो सेंटेंसेस की शुरुआत या तो व्हाट से होगी या फिर हाउ से. इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. लास्ट में इसके ऐसा निशान होगा जिसे हम पहचान लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और ये ज़्यादा जोर देने पे जैसे फॉर एम्फेसिस द वर्ड ऑर्डर इज ऑल्टर्ड इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. चलिए जब हम किसी सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे ऊपर एग्जांपल असर्टिव दिया हुआ है ही इज़ अ ब्यूटिफुल बेबी. दिस इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस नो असर्टिव सेंटेंस बट हेयर इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू लाइक दिस व्हाट अ ब्यूटिफुल बेबी ही इज़. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद अ डिफरेंट वर्ड ऑर्डर. यहाँ पे हम वर्ड ऑर्डर को चेंज करके इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये नए तरीके से सेंटेंस बन जाता है और इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़ ये ऊपर वाले असर्टिव सेंटेंस को चेंज करके इस तरह से लिखा गया है. सो चिल्ड्रेन नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस लाइक एफ जी एच आई जे यू हैव टू कम्प्लीट. इफ यू डोंट हैव बुक देन ट्राई टू डू ऑन रफ कॉपी बट प्लीज़ बाय इट.